हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग है, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। Okay, what are the messages for Taurus in month of October? What are the messages for Taurus in month of October 2022? What are the messages for Taurus in month of October 2022? Underneath the deck, you are having Sun, Two of Cups, and the World. Okay. Good cards to have in reading, to have in a spread. So let's see what other cards are saying about you. I like this cherry a lot. I want it in my reading. I want it in my video. So, Nine of Cups, Nine of Pentacles, two time nines here. Okay, Eight of Pentacles, the Wheel of Fortune, Hangman, Moon. Five of Pentacles, the Fool, the Star. Okay, hope you are seeing all the cards. So let's start reading. Underneath the deck, aapke paas hai the Sun, Two of Cups, the World. Aur yahan pe Ace of Cups bhi hai, toh yes, yahan pe new beginning hai aapke liye. Aapke worries over ho rahi hai, new beginning hai Ace of Cups ke saath. और द सन कार्ड है यहाँ पर, तो या आप अपनी लाइफ में फ़न टाइम गुजार रहे हैं और फ़न हैप्पी टाइम। आपकी लव लाइफ भी बेहतर हो रही है, एक अच्छा टाइम, खुशी का टाइम अपने पार्टनर के साथ जो है वो गुजार सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर एक न्यू प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है जो कि बहुत अच्छा है। समथिंग इज़ चेंजिंग, गुड चेंज इज़ कमिंग। या सो बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी अंडरनीथ द टेक्स्ट से गुड टाइम जो है वो आने वाला है। यू आर वर्किंग हार्ड, आप अपने आप को बिज़ी किए हुए हैं अपने वर्क में। आप किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा नया मंथ शुरू होगा आप अपने अच्छे वक्त, आप किसी वेटिंग पीरियड पे हैं। लाइक अपने काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर अपने रिलेशनशिप में आपको कुछ अमेंडमेंट्स करनी। अमेंडमेंट मीन के हो सकता है आपसे पास में कुछ गलतियाँ हुई हों, आप उनको सुधार रहे हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में, और आप वेटिंग पर हैं कि उस वो जो आपने गलतियाँ सुधारी हैं या आपने उन चीज़ों को ठीक किया है, जो आपने चीज़ें मैस आउट कर दी थी, लाइक आपने जो भी गलती की थी, या आपने या आपके पार्टनर, कोई एक पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए वो उसको वेट भी करना पड़ रहा है। लाइक वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। अगर ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप बहुत मेहनत से एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, लाइक जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है उस रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, और आप इंतज़ार में हैं कि कब चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। या आप ख्वाहिश कर रहे हैं किसी चीज़ की, चीज़ों के बदलने की, लाइक अपने लाइफ में कि आप चाहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, कि आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी है एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। हालांकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक रिलेशनशिप, इसमें दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। तो आपकी वो पर्सन क्यों है जिसको इतना कुछ करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए? सो आप ख्वाहिश करें, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो,
आप भी एक अबंडेंट और लग्जरी लाइफ गुजारें। सो आप इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है मंथ ऑफ अक्टूबर में आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं आप इस लेवल तक पहुँचने के लिए, जिसमें आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट किया जाए। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। या फिर आप ये जस्ट एक मनी सिचुएशन हो सकती है कि आप काम तलाश करें और काम करना चाहते हैं, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना चाह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। हो सकता है आप लोगों को फाइनेंशियल लैक हो, यानी फाइव ऑफ पेंटिकल यही शो कर रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त फाइनेंशियल लैक्स में है, या फिर आपको आपके एनवायरनमेंट में कुछ फाइनेंशियल लैक्स चल रहे हैं। तो यस, कुछ फाइनेंशियल लैक्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप उस कमी को पूरा करना चाह रहे हैं। आप भी बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर का सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आप जो वो एक लग्जरी लाइफ का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप अपने माइंड में आप सोच रहे हैं आपको एक बदलाव चाहिए, बिग चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। आप इस एट ऑफ पेंटिकल से नाइन ऑफ पेंटिकल पे आना चाहते हैं, लेकिन आपको इससे थोड़ा चैलेंजिंग है ये आपके लिए। आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, और ये एक बहुत बड़ी आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इन द एंड में आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आप किसी को गुड न्यूज़ दे रहे हैं। हो सकता है आपको कोई जॉब मिली हो जो कि गुड न्यूज़ आप देना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को, या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इनिशिएट ले रहे हैं उस पर्सन के लिए। पर आपके पार्टनर, अगर यहाँ पर रिलेशनशिप की सिचुएशन देखी जाए तो आप अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इसके लिए आपने एक इनिशियल स्टेप दिया है। आपने अपने कम्युनिकेशन के बेस ओपन रखे हुए, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो स्टिल ब्रेकअप सिचुएशन में रहना चाह रहे हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके लिए, बट आपकी जो विश है वो एट द एंड पूरी हो रही है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हों और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील कर रहे हैं, वो इस ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और आप जो हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो एट द एंड आप, हो सकता है कि आपको इसका मौका मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहेगी, और हो सकता है आपके पार्टनर, आप यू आर गोइंग टू एंड समथिंग, कुछ एंड करने जा रहे हैं आप फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस। और हो सकता है आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करें, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आप फ्री होना चाहते हैं, और आपकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो रही है इन द एंड, बट आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगी कहीं ना कहीं। अगर आप लोग अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आप लोग कोई भी ये पर्सन नहीं सोच रहा कि वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, तो अगर ऐसी बात नहीं है तो आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, और आपकी ये ख्वाहिश जो है वो ज़रूर पूरी होगी एट द एंड। सो लेट्स सी, और ये एक बिग चेंज आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांस अंचल ओरेकल मैसेज क्या है। रिलीज़ योर एक्स। अगर यहाँ पर कोई एक पर्सन, कुछ लोग, सम ऑफ यू, अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, तो आपको उस पर्सन, अगर ये वो ऑलरेडी एक्स हो चुके हैं, तो आपको इस रिलेशनशिप से निकलना होगा। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज। लाइक ये वक्त आ चुका है इन मंथ ऑफ अक्टूबर में, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आप उस रिलेशनशिप से निकलना चाहते थे, तो आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा ताकि आप कुछ नया स्टार्ट कर सकें अपनी लाइफ में। आप इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, आप सिंगल होना चाह रहे हैं, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं। सो यहाँ पर आपको अपने आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। लाइक आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, कि अगर आप ये स्टेप ले रहे हैं कि आप सिंगल होना चाह रहे हैं, उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, सो हो सकता है कि आप ऐसा हो सकता है आपको ये करना चाहिए, और आपको ट्रस्ट रखना चाहिए यूनिवर्स पे।
फाइनेंस एंड करियर फाइनेंशियल इशूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. आपके लाइफ लव लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हैं. कुछ लोगों के लिए अगर आप वो हैं जिनको फाइनेंशियल लैक है और आप अपने रिलेशनशिप में रहकर ही इस फाइनेंशियल लैक को ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते, तो ये फाइनेंस एंड करियर जो है वो आपके रिलेशनशिप में एक बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग. मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पर्सन फाइनेंस करियर का बहाना बनाता हो, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, इस इशू पे आपको जो है वो ध्यान देना होगा. अनरिक्यूटेड लव हो सकता है उस पर्सन के लिए, आप जो है वो अनरिक्यूटेड हुए हैं, इस वजह से वो आपको आपके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा है. सो ये भी सिचुएशन हो सकती है, आपको इस पर ध्यान देना है. ये जो रेड फ्लैग्स आपको दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको इस पर ध्यान देना है. अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको ट्रस्ट रखना चाहिए यूनिवर्स पे. ये आपके लिए यूनिवर्स मैसेज है, रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज है. बट जो लोग सही रिलेशनशिप में हैं वो जस्ट अपने आप पर अगर आपके पर्सन जो हैं वो फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, तो आपको उनके इस चीज़ पर पे अटेंशन करनी चाहिए और जो है ट्रस्ट रखना चाहिए कि सब चीज़ें बेहतर होंगी. आपको अपने पार्टनर की हेल्प करनी चाहिए. और अगर आप इंडिपेंडेंट होना भी चाह रहे हैं फाइनेंशियली, कि आप अपना खर्चा खुद उठा लें और अपने पार्टनर के ऊपर बोझ ना पड़े ज़्यादा, तो ये आपकी जो है विश पूरी हो सकती है इन द एंड. So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.